हेलो राज अटैकर, व्हाट्सअप कैसे हो? आई होप सब लोग सही हो। चलो लेट्स गो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बोलने वाले हैं कैसे सोलो रास ओपी तरीके से रैंक पुश कर सकते हो, एकदम ओपी तरीके से मास्टर में कैसे जा सकते हो। लेट्स गो, बोल शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमको जो पता है ये सेशन 3 में 80% लोगों ने सोलो रैंक पुश करते हैं, क्योंकि उन लोग को भाई टीममेट नहीं मिलते ओपी तरीके से। तो इसीलिए हम ये वीडियो डाले वो सोलो रैंकर के लिए, कैसे जल्दी जल्दी सेशन 3 में सोलो मास्टर पुश कर सकते हो एकदम इजी तरीके से। लेट्स गो। और इधर में हर एक मैच में खेलने तीन चीज, तीन पॉइंट ओपी तरीके से दिमाग में याद रहना चाहिए। उसका पहले ये दोनों चीज चैट में ओपी तरीके से ऐड कर लेना, क्योंकि तो इन लोग गेम के अंदर चैट विद फ्रेंड्स नहीं कर सकते, तो डिफॉल्ट मैसेज से ही सबके साथ बातें कर सकते। तो ये दोनों चीज ऐड कर लेना एकदम चैट में ओपी तरीके से। एक है हेडेड टूटा सेंटर लग गया, तो ये कब काम में आता है, ये जब जैब आएगा तब काम में आएगा। और एक चीज, प्लीज लेट मी लेवल अप फास्ट, ये मैसेज कब डालना, जब एकदम फास्ट से स्टार्टिंग करोगे तभी डालते जाना, क्योंकि सबको याद रखना लेवल को पहले आप करना है। तो अब आते हैं कौन सा तीन पॉइंट है, जो तीन पॉइंट में हम लोग ओपी तरीके से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग लेवल अप, लेवल अप में ओपी तरीके से ध्यान रखेंगे, एकदम फास्ट से हम लोग लेवल अप में ओपी तरीके से ध्यान रखेंगे। जब तक 9 लेवल में पहुंच नहीं जाते तब तक भाई लोग ओपी तरीके से लेवल अप करते रहो, क्योंकि देखो लेवल अप में थोड़ा सा ज्यादा पावर बढ़ते हैं और भाई लोग थोड़ा हेल्थ भी बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए लेवल अप से फास्ट से ही ध्यान रखो, जो जैसा ही पोकेमॉन डिफेंडर बोलो सपोर्टर बोलो जैसा ही पोकेमॉन है लेवल अप में ओपी तरीके से ध्यान रखा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्कोर गोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 70% गेम का 70% ही इंपॉर्टेंट चीज है ये स्कोर गोल, इससे ही भाई लोग गेम जीत सकते हो। तो स्कोर गोल में क्या टिप्स है, फास्ट जो गोल रहते हैं बॉटम या टॉप में, जो फास्ट गोल रहते हैं जिसका पीछे हिल वेरी रहते हैं, तो वो फास्ट गोल को खत्म करो। अगर टीम में खत्म नहीं करो तुम अकेले चुप चुप के जाकर गोल करते रहो। और एक चीज ही याद रखना, तुम अकेले खेल रहे हो, तुम्हारा टीममेट नहीं खेल रहे, ये चीज दिमाग में ध्यान रखे खेलो, मतलब तुम्हारा टीम में तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा अगर सोलो में खेलोगे तो, क्योंकि सब लोग रैंडम में आएगा तो कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ओपी तरीके से तुमको ध्यान रखना है बॉटम का फास्ट गोल और टॉप का फास्ट गोल तुमको ही डिस्ट्रॉय करना है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो ओपी तरीके से तो फास्ट में ही लीड में रहोगे, और वो उसका पीछे ही रहता है तुम्हारा बेड़ी, हिल बेड़ी, वही हिल बेड़ी से भाई लोग, और वो दो हिल बेड़ी से 70% हिल कवर हो जाता है। तो एट फर्स्ट वही टारगेट रहना, फास्ट बॉटम और टॉप का दो गोल पोस्ट को खत्म करना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्टील, इसमें सब लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो स्टील में एक बढ़िया ट्रिक से जो है, और फास्ट बात है डेड्डू रोटम और जैब, मिले या नहीं मिले उधर में रहना उधर में जाना भाई जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। अगर समझो बाई चांस मिल गए, बाई चांस स्टील करने में मिल गए, या समझो तुम्हारा ही बंदे लोग है, तुम्हारा ही टीममेट है उधर, तो ओपी तरीके से मिल जाएगा ना, और उन लोग का सपोर्ट भी मिल जाएगा थोड़ा। अगर ओपोनेंट टीम है तो स्टील करने में थोड़ा सा अगर हो गया स्टील सही है तो उधर में जाना, एक दो सेकंड पहले जाना एकदम जरूरी है भाई। और इधर में सब लोग प्रिपेयर करते हैं डेड डू लेने के लिए, तो हम बोलते हैं डेड डू लो, बट रास रोटम जो है ना वो उसको लेने को ट्राई करो। तो हम बताते हैं कैसे डेड नो स्टील करोगे। अगर तुम्हारा टीममेट है तो सही है, बट ओपोनेंट है, ओपोनेंट में तीन बंदा है, तो कैसे किधर रहोगे डेड नो स्टील करने में। तो जब डेड और रोटम आएगा तब उधर में जाना जरूरी है, मतलब जाओ भाई, मिला या नहीं मिला वो भूल ही जाओ, पहले तो जा किया करो उधर में, एक दो सेकंड पहले जा किया करो, डेट और रोटम जा पाएगा। और अगर देखोगे तुम्हारा टीममेट इधर में मार रहा है डेट को, तो ओपी तरीके से आके मारपीट करते रहो। अगर देखोगे तो तुम्हारा ओपोनेंट मारपीट कर रहा है, तो ये जो झड़ है इधर में ओपी तरीके से छुप के रहो, बट डेट और रोटम का एक दो सेकंड पहले इधर में पहुंच जाओ। अगर मिले तो सही है, अगर नहीं मिले तो भाई क्या ही बोले। तो स्टील करने के लिए ट्राई करो, और इधर में रहकर स्टील करो, इधर में रह जाओ, और स्टील करने के लिए ऐसे स्क्रीन को रोटेटिंग करो, रोटेटिंग करके देखो, जब उन लोग का ओपोनेंट डेट को मार रहा है तब इसको स्क्रीन को ऐसे रोटेटिंग करके देखो, अगर डेट का हेल्थ जब 70% हो गया तब इधर से जाके और मारते रहो इसको एकदम बढ़िया तरीके से। अगर स्टील हो गया तो सही है, नहीं तो भाई क्या ही बोले। उसका बाद इसको मारने के बाद तुरंत तुरंत रोटम में चला जाना, उसको मारने के बाद।
प्रोटोन में भी सेम चीज है, अगर टीममेट मारेगा तो जाना, टीममेट नहीं मारेगा तो और ओपोनेंट मारेगा तो इधर में इस साइड में छुप के रहना, इस साइड में छुप के रहना, एकदम बढ़िया तरीके से इधर में छुप के रहना और स्किन को रोटेटिंग करके वेट करो जब तक इसका 70% हेल कम नहीं जाएगा। 70% हेल कम किया तो इसमें जाके स्टिल करने के लिए ट्राई करो वो भी तरीके से, और स्टिल हो गया तो बहुत सही है, फायदा ही फायदा, अगर स्टिल नहीं हुआ तो क्या बोलो। बट ट्राई, बट आना जरूर है भाई, ड्रेड और रोटो में आना जरूर है भाई, मिल गया तो फायदा ही फायदा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा। उसके बाद जैप का टाइम में क्या होगा, जैप का टाइम में क्या है, जैप जब आएगा तो उसका 2-3 सेकंड पहले जैप, 2 सेकंड पहले इधर में छुप के रहना, इस जॉब में छुप के रहना, इधर इस साइड या इस साइड में छुप के रहना, बस जैप आ गया तो उधर में जाके मार लिया करो। अगर तुम्हारे पास 45 प्लस गोल है तो जैप का 2-3 सेकंड पहले इधर में आके रह जाओ, देखोगे जब जैप आ गया तब तुरंत जाओ, तुरंत जाके इधर में आके गोल कर दो। गोल करने के लिए 2-3 सेकंड लगेगा, तो गोल करने के बाद तुरंत इधर में आ जाओ और इधर में आके मिडिल में पहुंच जाओ एकदम बढ़िया तरीके से, और तब जाके जैप को स्टील करो। जैप अगर तुम्हारा टीममेट रहेगा तो उसको भी तरीके से हेल्प करो, अगर तुम्हारा टीममेट नहीं रहेगा तो इधर और इधर वो भी तरीके से रह जाओ स्टील करने के लिए, और स्किन को रोटेटिंग करके ऐसे ऐसे तरीके से देख लो। अगर इसका सेम चीज है, अगर 70% हील कम किया तो जाके स्टील करने के ट्राई करो एकदम बढ़िया तरीके से। देखो गाइस, अगर तुम लोग सोलो खेल रहे हो और ये वीडियो ओनली सोलो रैंक उस प्लेयर के लिए ही है, तो अगर तुम लोग सोलो खेल रहे हो तो एक बात याद रखना, तुमको अकेले में गोल करना पड़ेगा, अकेले में 100 प्लस तुम्हारा गोल रहना ही पड़ेगा, 100 प्लस जीतने के लिए, विक्टोरी आने के लिए 100 प्लस गोल रहना ही पड़ेगा गोल्स को। स्टार्टिंग में तुम लोग देख रहे हो सब लोग अटैकर पिस्टर ऑलराउंडर पोकेमॉन लिया है, कोई भी सपोर्टर डिफेंडर पोकेमॉन नहीं लिया है, ऐसे बात नहीं है, तुमको सपोर्टर और डिफेंडर पोकेमॉन लेना है, ऐसे ऐसे गलती मत करो। जो पोकेमॉन से तुमको अच्छा तरीके से खेलना आता है, अच्छा तरीके से एकदम अच्छा तरीके से तुमको 100 स्कोर कर देंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस है उस पोकेमॉन लेके खेलो उसी तरीके से, ऐसे बात नहीं है, तुमको डिफेंडर ही लेना है, सपोर्टर लेना है, टीम में एक भी सपोर्टर नहीं है, एक भी डिफेंडर नहीं है। तुमको याद रखना है तुम सोलो कर रहे हो तो ऐसे पोकेमॉन चूज करना है जिस पोकेमॉन से तुम अच्छा तरीके से खेल सकते हो, क्योंकि रैंडम टीममेट से कोई आशा मत रखो, मतलब अकेले खेलना है भाई तुमको। तो आज ही इतना ही था वीडियो में, तो इस वीडियो में कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा वो कमेंट में बताओ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दियो, अगर तुम लोग का कोई स्लो फ्रेंड जो स्लो रैंक पुश करने अच्छा लगता है उसको भी तरीके से शेयर कर दो वीडियो को, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।